नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। सभी साथियों से गुजारिश है जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। साथियों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के 8 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अभी अभी लिस्ट जारी हुई है। सभी साथियों से गुजारिश है जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। और सिरसा से जिस बात का इंतजार था और हमने आपको पहले ही बता दिया था और हमारी खबर पर मोहर लग चुकी है, पुष्टि हो चुकी है, कुमारी शैलजा की टिकट है वो फाइनल हो चुकी है, लिस्ट आ चुकी है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर करें। कुमारी शैलजा की टिकट है वो फाइनल हो चुकी है, अभी अभी लिस्ट आई है। वीडियो को शेयर करें, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश और विनती है कि ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर भी करें। हरियाणा में कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट दी है कांग्रेस ने, सिरसा से कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया गया है, हिसार से जयप्रकाश जेपी को उम्मीदवार बनाया गया है, करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा को उम्मीदवार बनाया गया है और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया गया है, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है कि पहले बीजेपी से अशोक तंवर अकेले ही चुनाव मैदान में थे, अकेले ही घूम रहे थे, अकेले ही चुनाव प्रचार कर रहे थे और लगातार अनुमान लगाया जा रहा था कि सिरसा लोकसभा में कुमारी शैलजा आ सकती है कांग्रेस की तरफ से। और आज इस बात की पुष्टि हो चुकी है, रात होते होते इस बात की पुष्टि हो चुकी है, कुमारी शैलजा कांग्रेस की लोकसभा की सिरसा लोकसभा की उम्मीदवार होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बता दें। और आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा को अपना उम्मीदवार बनाया है, इस बारे में भी आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें सभी साथी जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।